So students, now we'll do Indian place value system. Okay, Indian place value system. मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 5, 6, 2, 9, 1. ठीक है, ये नंबर है हमारे पास. अब इसको हम कैसे बोलेंगे, ये कितना है? ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि 5, 6, 2, 4, 9, 1. नहीं, तो इसको हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लगाकर देखते हैं कि इसको हम कैसे बोलते हैं या फिर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसको कैसे लिखा जाता है. तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है 1 लाइन में. ओके, यहाँ पहले होता है 1, फिर 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. See, I have placed it 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. ठीक है, अब इसको भी हम ग्रुप्स में रख सकते हैं, इसको भी हम ग्रुप्स में रखते हैं. ठीक है, तो यहां से बनता है हमारा पहला ग्रुप. ये हमारा है पहला ग्रुप. इस ग्रुप को हम कहते हैं वंस ग्रुप. ठीक है, ये है हमारा सेकेंड ग्रुप, इसको हम कहते हैं थाउजेंड्स ग्रुप. ये है हमारा नेक्स्ट ग्रुप, जिसको हम कहते हैं लैक्स ग्रुप. ये हमारा क्रोर्स ग्रुप. इसमें आगे जाके आप यहाँ पे हम 10 करोड़ भी लगा सकते हैं, है ना? ओके, तो ये हमारे ग्रुप्स हो गए. अब यहाँ पे हम नंबर प्लेस करके देखते हैं. ओके, मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 9, 5, 4, 6, 8, 2, 1. ठीक है, ये एक नंबर मैंने यहाँ पे प्लेस किया. अब इसको देखते हैं कि ये कितना है. ठीक है, सबसे पहले तो इसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हमारा वंस ग्रुप है, इसको हम कॉमा से भी सेपरेट करके दिखा सकते हैं. ये हमारा थाउजेंड्स ग्रुप है, ये हमारा लैक्स ग्रुप है और ये हमारा क्रोर ग्रुप है. अब देखिए क्रोर ग्रुप में है, यानी कि ये कितना है, क्रोर में 2 डिजिट्स है 10 प्लेस पर. तो ये हो गया हमारा कितना, 12 करोड़, है ना, 12 करोड़. अब आया हमारे लैक्स ग्रुप का नंबर. लैक्स ग्रुप में क्या है, 86 है, 86 लैक्स. इसको हम स्पेलिंग में लिखते हैं. ठीक है, तो ये बेटर होगा क्योंकि हम जनरली इसको इन वर्ड्स में लिखना होता है तो स्पेलिंग्स में ही लिखते हैं. तो क्या होगा, 12 करोड़ लैक्स. उसके बाद आया हमारा थाउजेंड्स ग्रुप, थाउजेंड ग्रुप में कितना, 45. तो 45,000. और हमारा लास्ट ग्रुप है वंस ग्रुप. ठीक है, 110 वंस वाला. तो कितना होगा, 921. ठीक है, तो क्या है ये, 12 करोड़ 86 लाख. उसके बाद क्या है, 45,921. तो ऐसे लिखते हैं हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. ठीक है, एक और नंबर हम कुछ करके देखते हैं. नंबर यहाँ पे 7,
84, रैंडमली मैंने कोई भी नंबर लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको मिले कि राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, आपको क्वेश्चन दिया गया राइट इन वर्ड्स, ठीक है, तो अब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको ग्रुप में डिवाइड करना है। जरूरी नहीं है कि एक में पूरा 10 करोड़ तक लेट जाए, ठीक है, हमें 3-4 नंबर भी मिल सकते हैं, पर उसको हमें क्या करना है, पहले ग्रुप में पहले इसको करते हैं, फिर इसको भी हम लोग करके देखते हैं कि छोटे नंबर को कैसे कर सकते हैं। चलिए ग्रुप में डिवाइड करते हैं पहले, तो हमें क्या करना है, हमारे पहले ग्रुप में 3 नंबर थे, है ना, पहले ग्रुप में 3 नंबर है, तो 1, 2, 3। सेकेंड ग्रुप में 2 नंबर है, 1, 2, उसके बाद 2 नंबर है, 1, 2, और फिर 1 बचा, आगे नंबर ही नहीं है, हमें डिवाइड करना नहीं आगे, ठीक है। अब ये कितना है, लेट अस फाइंड इट, यहाँ से करिए 1 is 100, 1000 10000, लैख 10 लाख, करोड़, ये हो गया करोड़, यानी 7 करोड़ कितना है, 1 10 100, इसके बाद हमारा कॉमा आगे नंबर ही नहीं है, तो क्या होगा, 1 10 100, देखिए 4 डिजिट्स है, यहाँ पे 4 तक हम चलते हैं, 1 10 100 1000, ठीक है, यानी ये कितना है, 4000, उसके बाद 800 एंड 61। आपको यहाँ पे बीच में कॉमास देने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैंने कॉमास यूज किया था आपको समझाने के लिए कि हाँ ये डिवीजन है, बट जब आप इसको लिखेंगे तो आपको कॉमास यहाँ देने की जरूरत नहीं, हम नंबर में ग्रुप वाइज डिवाइड करके कॉमास देते हैं, यहाँ पे लिखते वक्त हमें कॉमास देने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया, 4861। यहां पे 0 और यहां पे एक नंबर डालते हैं,
जीरो को हमने क्या किया, यहाँ 100 प्लेस में कर दिया और 10 को 1 से हमने नंबर दे दिया, तो क्या होगा 5000 एंड 32, ओके 5032, इसको भी हम ब्लैंक कर देते हैं, तो फिर क्या होगा 5000 एंड यस 5002, वेरी गुड। और अगर हम इस टू को भी रिप्लेस करके जीरो कर दें तो अब क्या होगा 5000, वेरी गुड, ये होगा ओनली 5000। ये सिमिलर वे मैंने 1000 तक लेकर आपको जीरो प्लेस करके भी दिखाया कि जीरो होने पर भी हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो अगर हमारे नंबर्स थोड़े बड़े भी हो, यानी कि लैक एंड क्रोस तक भी हो और वहां पे भी जीरोज हो तो कोई प्रॉब्लम, एक हम ग्रेटर नंबर करके देखते हैं कि उसमें हम अगर कहीं भी अचानक से जीरो आ जाए तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ जीरो हो गया तो अब हम क्या करें, यहाँ कोई नंबर है ही नहीं लिखने के लिए, हम किसको लैक में लिखे, हम किसको क्रोर में लिखे, तो एक नंबर लिखे 9 9 5 2 2 1 7 8, चलो ठीक है ये नंबर है ना। अब यहां पर मैं क्या करती हूँ, इसको जीरो कर दीजिए, मैंने रैंडमली किसी को भी जीरो कर दिया, ठीक है। अब यहां पे डिवीजन चलते हैं, ये होता है ना 3 2 2 2 का डिवीजन चलता है, पहला वाला ग्रुप 3 एंड देन 2 2 2 2 ऐसे जाता है ना। तो अब ये हो गया हमारे नंबर्स, अब हम देखते हैं क्या 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख तक हमारे बिजनेस गए हुए हैं, तो कैसे स्टार्ट होगा 95 लाख, उसके बाद 20 है ना, तो क्या होगा 20000, 78, ठीक है 95 लाख, 20000 178। अब ये इस रूप को मैं वापस कर देती हूँ यहाँ पे, अब किसी और नंबर को जीरो कर लेते हैं, चलिए इसको नाम से जीरो कर लेते हैं, तो अब क्या होगा 95 की जगह 90 लाख, 20000 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिजिट था उसको डाल दिया वापस से, यानी हमने जीरो को चेंज कर दिया, यहाँ पे कितना होगा 22000 है ना, 90 लाख 22178। अब यहाँ पे इसको प्रतिदिन से हम चेंज करते हैं, अगर हम इसको जीरो करते हैं, यहाँ पे हम रैंडम में कोई भी नंबर डाल रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा 93 लाख, उसके बाद 2178, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है, हमारे लिए ये पेज वैल्यू से आपको समझने में आना चाहिए, उसके बाद कोई भी नंबर है आप उसको इजीली इसमें पुट कर सकते हैं। आपको अगर वर्ड्स में लिखने जाते, पहले होता है ना जब हम बहुत बड़े नंबर हमें दिए जाते हैं वर्ड्स में लिखने के लिए, तो हम पहले डर जाते हैं, ओ माय गॉड अब इसको कैसे लिखेंगे हम, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दीजिए, जहां आपने ग्रुप में डिवाइड किया तो आधा काम तो आपको वहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है, उसके बाद आप उस चार्ट के हेल्प से उसको प्लेस कर दीजिए, ओके। तो आई होप आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम समझ में आ गया होगा, और एक चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब एक ही साथ आपको क्वेश्चन पुट किया जाता है कि एक ही कोई नंबर का इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मेरे पास
वैल्यू कितना आप निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप बहुत इजीली समझिए कि फेस वैल्यू जो होता है ना, तो जो नंबर दिया गया है द नंबर इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। ओके, यानी कि ये जो 5 है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा। ओके, बट व्हेन वी कम टू फेस वैल्यू तो क्या होता है, अब हमें इसका फेस वैल्यू फाइंड करना है। फिर आप इजी है, ग्रुप में पहले डिवाइड कर लीजिए, 1 times 100 माइनस 3 2 2 का ग्रुप ज्यादा, अभी कितना 1 times 100, यानी कि कौन से प्लेस पे है 500 प्लेस पे, यानी कि 5 का प्लेस वैल्यू है 500। तो आप लोग प्लीज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कंफ्यूज मत होइएगा। फेस वैल्यू जो होता है वो जो नंबर है वो खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है, बट प्लेस वैल्यू के लिए हम इंडियन सिस्टम में ऐसे निकालते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा हमारे इंडियन सिस्टम से डिफरेंट होता है। तो कल की क्लास में हम